हेलो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट वाले वीडियो किस तरह से बनाना है, वो भी दोस्तों काइनवेस्ट एप्लीकेशन से बनाएंगे। तो अभी तो आप लोग देखिए वीडियो को स्टार्टिंग में, तो उस तरह से आप लोग भी बना सकते हो। बट इस वीडियो का एंड तक देखना, अगर इस वीडियो का एंड तक देख लेते हो तो आप लोग भी सीख जाएंगे किस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट वाले वीडियो बनाना है। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं की तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेता ताकि आप सबको आने वाली न्यू वीडियो आप सबको जल्दी ही पहुँच जाए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। इस तरह से आपको पिक्सल ऐप ओपन कीजिए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको यूट्यूब का साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या एक थ्री डॉट का आइकन दिख रहा है उस जगह पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, एक इमेज साइज का ऑप्शन दिखेगा, इस जगह पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है, उस जगह पर आपको क्लिक कर लेना है इस तरह से। और क्लिक करने के बाद एक यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन दिखेगा, उस जगह आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद इसे ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ से ओके कर देते तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको साइज कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस जगह आपको क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या कीजिए, इसको डिलीट कर देना है। इस तरह से डिलीट कर देना है। तो यहाँ से आपको अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपको चैनल का नाम यहाँ से कैपिटल में लिख लेना है। इस तरह से लिखने के बाद क्या कीजिए, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो चैनल का नाम लिखे वो आपको आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको बड़ा कर देना है, बड़ा कर लीजिएगा, फुल स्क्रीन कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, इसको टेक्स्ट, इसको फॉन्ट चेंज कर देना है। तो इसको क्या करना है, इसको फॉन्ट चेंज करना है। तो इस आइकन पर क्लिक करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरह से नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप यहाँ से स्क्रॉल करें एक फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर एक फॉन्ट का ऑप्शन, इस जगह पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करिए बहुत सारे ऐसा फॉन्ट देखने को मिलेगा, तो अपने हिसाब से चूज करके लगा सकते हो। तो एग्जांपल के दोस्तों ये वाला फॉन्ट हम लेंगे। ये वाला लेने के बाद क्या कीजिए, इसको ओके पर कर देना। इस तरह से ओके कर देना। जैसे आप यहाँ से ओके कर दिया, इसको फुल स्क्रीन कर देना। इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है। जैसे आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, इसके क्या इसको PNG कर देना है। PNG क्या कीजिए, यहाँ पर क्लिक करना है, थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर ले तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिर आपको जाना है फोर्थ वाले नंबर पर। फोर्थ वाले नंबर पर जाना है, ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है सेकेंड वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे आपको PNG हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है अपने को गैलरी में। एक थ्री डॉट का आइकन दिख रहा है उस जगह पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस जगह पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही क्लियर आया, एक सेव टू गैलरी का ऑप्शन आया, उस जगह पर क्लिक करना है, आपको सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सेव कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, इसको काइनवेस्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है इस तरह से। जैसे आप लोग यहाँ से बैक करना है, यहाँ से आपको काइनवेस्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना। तो दोस्तों यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पर, बड़े आइकन पर दिख रहा है, उस जगह पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक कर लिया, यहाँ पर आपको रेशियो सेलेक्ट करने के लिए बोला, एक 16:9 है, 9:16 1:1 है, जिस भी रेशियो में आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं उस रेशियो का आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल की दोस्तों यहाँ 16:9 का यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला आइकन पर। जैसे आप यहाँ से क्लिक कर लिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जो आप लोग टेक्स्ट बनाए थे वो आप लोग डाउनलोड के यहाँ से आपको टेक्स्ट ले लेना है। तो मीडिया पर क्लिक करना इस तरह से। जैसे आप यहाँ से मीडिया पर क्लिक करें, यहाँ से पिक्सल लैब, जो पिक्सल लैब का फाइल होता है उसमें जाइएगा और जो डाउनलोड की वो आपको ले लेना है। इस तरह से ले लीजिए। जैसे आप यहाँ से ले लीजिए, एक जूम आउट का ऑप्शन इस तरह से हो रहा है, इसको कैसे बंद करेंगे, तो इस पर क्लिक करना है। जो वीडियो लिए हैं उस पर क्लिक करना है। एक क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, इस पर क्लिक करना है। इसको बराबर में निशान टिक कर देना है इस तरह से, तो आपको बहुत जूम हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा अपना हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। इसके बाद होने के बाद कि इसे ओके कर देना है। इस तरह से ओके कर देना। जैसे आप लोग इसे ओके कर लीजिए, तो जो भी वीडियो आप लोग करना चाहते हैं अपने चैनल का नाम है तो वीडियो अपने ले लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के दोस्तों ये वाला वीडियो ले लेते हैं, मीडिया पर क्लिक करना इस तरह से। जैसे आप यहाँ से मीडिया पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से हम ये वाला वीडियो ले लेते हैं, यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, ये वाला वीडियो हम ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ से ले लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको डुप्लीकेट कर देना है। इस वीडियो पर क्लिक करना इस तरह से। वीडियो पर क्लिक करने के बाद एक थ्री डॉट का आइकन दिखाएगा, उस जगह पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, एक डुप्लीकेट का लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस जगह पर क्लिक करना इस तरह से, आपको डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना, जो फर्स्ट वाले पार्ट वीडियो लिए थे मीडिया का आइकन में, उसको डिलीट कर देना है। इस पर क्लिक करना इस तरह से, इसको डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए, जो टेक्स्ट लिए उसको खींचकर बड़ा कर देना है। इस तरह से बड़ा कर देना है। जैसे आप यहाँ से बड़ा कर लें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले। सो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, जो वीडियो ले उसको क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के बाद इस वाला आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वाला आइकन पर क्लिक कर लीजिए, इसको इस वाला आइकन पर जो सेकंड वाला आइकन देखिए, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरह से फुल स्क्रीन हो जाएगा।
सो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको डन कर देना। इसको डन करने के बाद फिर आपको वीडियो का आइकन पर क्लिक करना है। इस तरह से वीडियो का आइकन पर क्लिक करना है, इस तरह से नीचे स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करिए, ब्लीडिंग का ऑप्शन देखेगा, उस जगह आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस जगह पर क्लिक कर लीजिए, एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन देखेगा, उस जगह आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं वीडियो को। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हो। तो फिर इसमें हम दूसरा वीडियो ऐड कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। इस पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस तरह से आपको डिलीट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ से डिलीट कर लीजिए, फिर हम लेयर में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम दूसरा वीडियो ले लेते हैं, फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये वाला वीडियो हम ले लिया है। जैसे आप ये वाला वीडियो ले लिए हैं, तो इसे क्या करना है, इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करें, इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है। जैसे आप लोग इसमें फुल स्क्रीन कर लीजिए, इसको डन कर देना है। डन करने के बाद फिर आपको वीडियो आइकन पर क्लिक करना है। इस तरह से वीडियो का आइकन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको जाना है, एक ब्लीडिंग का ऑप्शन दिख रहा है नीचे में, उस जगह आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस जगह पर क्लिक कर लीजिए, एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, उस जगह आपको टिक लगा देना। इस तरह से टिक लगा इसको डन कर देना है। तो कुछ तरह का एनिमेशन क्रिएट होगा। इसको प्ले करके देख लेते हैं, देख प्ले करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट वाली वीडियो। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेता है आने वाले न्यू वीडियो आप सबको जल्दी पाए। तो दोस्तों आज कितना ही, जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।